Channel Angel Gabal Jared showing this video for Mumbai or the citizens of the Mumbai and बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं मुंबई में जो local trains हैं जहाँ पे लोग offices daily wages के लिए जाते हैं और वहाँ पे school का भी मैं इसमें एक बार देखूँगी especially 12th और 10th दोनों का मैं boards के exam का especially देखूँगी कि boards के exam वहाँ पे disturb तो नहीं होंगे ये सब मैं जानना चाहूँगी और मेरे आसपास जो कोई भी divine energies हैं positive energies हैं प्लीज़ मुझे बताएँ कि मुंबई में क्या जो लोकल ट्रेन्स हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होंगी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे कि लोकल ट्रेन जो है वो डिस्टर्ब होंगी नहीं चल पाएंगी अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कोरोना के चलते 2022 में अप्रैल तक के लिए मैं पूछ रही हूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन चार महीने में क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है इसी में थर्ड वेव भी आएगी तो क्या लोकल ट्रेन्स इसमें कहीं ना कहीं बाधित होंगी और इसे मैं जानना चाहूँगी पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा ऐसा है तो नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी लोकल ट्रेन्स कहीं ना कहीं बाधित होंगी और लोगों के ऊपर बर्डन बहुत आएगा बहुत प्रेशर पड़ेगा लोगों के ऊपर जो है काम का जो 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 डेली वेजेस वाले लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके ऊपर बर्डन बहुत आएगा क्यों क्योंकि लोकल ट्रेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी आने जाने में प्रॉब्लम्स होंगी कोरोना के चलते और इसे मैं देख लेती हूँ कि स्पेशली मुंबई में लॉकडाउन रहेगा कि इन चार महीने में क्या लॉकडाउन रहेगा मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जी प्लीज मुझे बताएं कि क्या मुंबई में लॉकडाउन रहेगा अप्रैल तक के लिए 2022 में अगर ऐसा है कोरोना के चलते तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी इसमें कोरोना के चलते कहीं कहीं पर लॉकडाउन रहेगा कहीं कहीं पर लॉकडाउन नहीं रहेगा ये आपको मैं बता दूं पूरी तरीके से लॉकडाउन इसमें नहीं दिखा रहा है अप्रैल तक के लिए हो सकता है इन चार महीने पे कहीं कहीं पे लॉकडाउन वो खोलें और कहीं कहीं पे लॉकडाउन जो है उनको करना पड़ेगा और मैं ये भी बता दूँ ये साफ मैसेज है कि प्लीज़ थोड़ा सा क्राउडी एरिया ओकेजन या शादी समारोह में ना जाइए ना ही जाइए तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप जा भी रहे हैं तो मिनिमम जो है वो 10 to 20 लोगों को ही इन्वाइट करिए जो पुराने जो इंस्ट्रक्शंस आयोग की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से बस वही उसी को फॉलो करिए इस वक्त ज़रूरी है लॉकडाउन जो है वो कहीं कहीं पर रहेगा कहीं पर नहीं रहेगा इन चार महीने में हो सकता है खोलें मैं इसमें ये भी देख लेती हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं 10th बोर्ड में एक बार इसमें देखना चाहूँगी मुंबई में क्या 10th के बोर्ड कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आएंगे कंडक्ट कराने में अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी इसमें मैं आपको बता दूँ कि 10th के बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पे नो डाउट कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखा रहा है वहाँ पे ये साफ मैसेज आ रहा है कि वहाँ के लिए अगर ये लोग खोलते हैं 10th का बोर्ड बच्चों को स्कूल में अगर बुलाते हैं तो इसमें ये दिखा रहा है कि ये बुलाएंगे तो नो डाउट क्योंकि हो सकता है कि बुलाएं स्कूल में बुलाएं लेकिन इनके माइंड में बहुत परेशानियाँ रहेंगी कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे जो ये कंडक्ट कराते हैं 10th के बोर्ड जो कंडक्ट कराने वाले ऑथोराइज पर्सन हैं वो बहुत परेशानी में दिखेंगे और उनको बराबर से डर लग रहेगा कि बच्चों को कहीं ना हो जाए ये इस चीज़ का इनको डर बहुत रहेगा और कंफ्यूज रहेंगे हालांकि ये बुलाएंगे स्कूल में आपको यहाँ ये दिखा रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कहीं ना कहीं बाधित नहीं होंगे होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे और ये बुलाएंगे भी लेकिन चिंता रहेगी बहुत इनके माइंड में मैं 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देख लेती हूँ मुंबई में कैसा हाल रहेगा मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज भी मुझे बताएं कि 12th के बोर्ड्स मुंबई में कंडक्ट हो पाएंगे स्मूथली हो पाएंगे अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि हो पाएंगे नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी हो पाएंगे नो डाउट हाँ लेकिन इसमें ये भी है कि होगा तो बोर्ड का एग्जाम्स ही करेंगे लेकिन बर्निंग टावर का कार्ड भी आ रहा है ये मान के चलिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो ये करवा देंगे लेकिन बाद में सब चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं पकड़ सकता है बच्चों को तो इसलिए प्लीज़ इन चार महीने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ही तक जो है ये वेव का काफ़ी तेज़ एक आएगा तो
इसीलिए जो इफेक्ट है वेव का वो तेज रहते हुए बच्चों को ज़रूरी है कि वो ना हो तो हाथों में आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, ताकि हाथों से, क्योंकि इन्फेक्शन, और नाक में बराबर से मास्क, डबल मास्क या ट्रिपल मास्क अगर पहन सकते हैं पहनिए। ज़्यादा इधर उधर टच मत करिए, अपनी चीज़ों को सैनिटाइज बराबर से करते रहिए तो आप बच जाएंगे। अदरवाइज यहाँ बर्निंग टावर का मतलब ये है कि 12th के बोर्ड तो ये कंडक्ट करवा देंगे, लेकिन आपकी जान आपके हाथ में रहेगी, हेल्थ आपके हाथ में रहेगा। कई सारे बच्चे, कई सारे स्कूल के टीचर, स्टाफ जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ, और फिर बाद में इसका इफेक्ट पता चले, क्योंकि ये तो 14 डेज बाद इसका इफेक्ट बहुत साफ पता चलने लगता है, सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उस वक्त फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी आप बोर्ड का एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, स्कूल में बाधित नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे ये, लेकिन आप अपनी जान खेल करके जाएंगे, बस ये बात मान के चलिए, ये बात वो लोग भी जानते होंगे। तो इसीलिए अपने आप को बचा के चलिए ऐसा, क्योंकि इसमें देखिए वायरस को कोई सरकार तो रोक नहीं सकती, ये तो नेचर, प्रकृति का खेल है, ऊपर वाले की देन है, तो हमें इसमें बच के चलना है ऊपर वाले से। इसीलिए मैंने इसकी स्पिरिचुअलिटी और इम्यूनिटी, ये दो वेपन है इसके, और कोई वेपन इस वायरस से बचने का नहीं है, बराबर से मैं बताती आई हूँ हर वीडियो में। तो स्पिरिचुअल रहिए, सात्विक रहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसमें ही देख लेती हूँ कि मुंबई में कोरोना का क्या हाल रहेगा, मुंबई में स्पेशली मैं इसमें जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, फिर मुझे बताएं कि मुंबई में कोरोना का कैसा हाल रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने तक का मैं लगातार पूछ रही हूँ, किस तरह के मैसेजेस हैं, खतरा कितना रहेगा, ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के लिए थोड़ा सा, जगह जो गवर्नमेंट है वहाँ के लिए थोड़ा सा मुसीबत है, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ मैसेज आ रहा है वो बहुत दूर भागने की कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो खुद अपने बचाव के चक्कर में गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें जो है अपने आप से दूर करने की कोशिश करेगी, अपने हम जो है इन्फेक्टेड ना हो जाएं, इस चीज़ की बहुत उसको ख्याल रहे गवर्नमेंट को, तो इसलिए जनता से वो दूर ही रहेगी इन सब चीज़ों से। जैसे होता है ना कि जनता को छोड़ दिया, जो भी करना है करो, क्योंकि उनके तो इंस्ट्रक्शंस है ही हैं, अगर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है, इनका ये भी दिखा रहा है कि वहाँ कोरोना के चलते वहाँ मुंबई में सरकार जो है स्पेशली लव जो, और जनता से जो प्रेम जो प्राप्त करती आई है हमेशा से, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा, और इनका ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा कि जनता से हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा। जनता में बहुत आक्रोश होगा, नो डाउट, क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा, तो इसकी वजह से जनता में यहाँ ये दिखा रहा है कि जो सरकार का जो सपना है कि हाँ हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आपके अपने हाल पर छोड़ देंगे। फिर आप अपना सिटीजन जो है आप देखिए, आप अपना जानिए, सरकार ये नेचर दिखा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट का एक्चुअली, तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, वायरस को तो नहीं रोक सकते ना हम लोग, ये मल्टीप्लाई करने से रोक देंगे, लेकिन हम सावधानियाँ बरत सकते हैं, वी कैन टेक द प्रिकॉशंस, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई वालों के लिए स्पेशली। मैंने ये मैसेज ये आ रहा है एनजीओ तरफ से, और ये अगेन स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ रहा है, आपको स्पिरिचुअल सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है, नॉनवेज वाइन ये सब कुछ मत लीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए। जो सात्विक खाना की चीज़ें हैं, जैसे देसी घी, दूध, और आपके हरी सब्जियाँ, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, वो डाइट आपको लेनी है, स्पिरिचुअल बने रहना है, भगवान से प्रार्थना करिए, चैंटिंग रहिए, अच्छे से स्वच्छ रहिए, नीट एंड क्लीन रहिए। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि इस दौरान पैसा बहुत खर्च होगा इलाज कराने में, हॉस्पिटल्स में जनता की तरफ यहाँ दिखा रहा है कि जनता का पैसा बहुत खर्च होगा, जनता केवल ये देखेगी कि मेरे इनकम के स्रोत कहाँ से आ रहे हैं, पैसा कहाँ चले जा रहा है पीठ पीछे, उनको शायद ये पता नहीं चल पाएगा। इसमें मैं एक बार और लास्ट रीडिंग कर लेती हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन दिखा रहा है। हालांकि बर्निंग टावर का कार्ड ठीक नहीं है, बच्चों के लिए स्पेशली जो है थोड़ा सा ख्याल रखिए। और मैं मैसेजेस देख लेती हूँ कि और मुंबई वालों के लिए कोरोना को लेकर क्या मैसेजेस हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ कि सभी कार्ड्स जो है वो नेगेटिव आए हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। अप्रैल तक कोरोना के चलते मुंबई में लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए नजर आएंगे,
लोगों को इस वक्त चाहिए कि वो थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट रहें, दूर दूर रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। यहाँ एंजल्स का मैसेज आ रहा है, साफ मैसेज आ रहा है दैट देर इज नो एनी पॉसिबल, देर इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी दैट पीपल शुड फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग रूल। जो रूल बनाया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी बहुत ज़्यादा, लोग दूर दूर नहीं रह पाएंगे, बस इसीलिए इन्फेक्शन फैलेगा और लोगों में के बीच में विवाद दिखा रहा है। लोग बराबर से है घरों में जो है झगड़ा, छोटा मोटा जो है फ्रस्ट्रेशन होना, इलाज नहीं करा पाना, दवाइयाँ ना मिल पाना, समझ में ना आ पाना कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं कि ना जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट करें कि ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में एडमिट करा और कुछ हो, कुछ और गया। कई लोग ये कंफ्यूज रहेंगे कि घर में ही हम इलाज करा लेते तो बच जाते। ये सब चीज़ें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी जनता में, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें इसमें जो है, और कोई नया वेरिएंट भी दिखा रहा है इसमें कि नया कोई चीज़ जो है वो वायरस जो है वो उत्पन्न हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, डिस्टेंसिंग बना के अगर रखते हैं और स्पिरिचुअल रहते हैं और जो मैंने बताया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे आप तो काफ़ी हद तक बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, कार्ड्स में, रीडिंग्स में एंजल्स की मैसेज यहाँ पे आ रही है कि लोग ऐसा करते हुए नज़र नहीं आएंगे, कुछ ही लोग होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर से फॉलो करें, कोरोना की गाइडलाइंस जो आयोग की तरफ से दी हुई हैं, बैलेंस डाइट कैसे रखें, कैसे एक्सरसाइजेस करें और कैसे जो है वो प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस में सैनिटाइज़र और एक उचित दूरी बना के रखना और मास्क लगाना, ये सब चीज़ों को फॉलो करें। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।